My name is Hashim Barak, and I represent this company, Software Productivity Strategist, SPS. And we are essentially a technology company, और हम लोग different areas में काम करते हैं, जिसमें AI, data science, cyber security, IoT, cloud technologies. We are starting into immersive technologies, and plus there are a couple of other areas जिसमें हम काम करते हैं. We have been in business for about almost 28 years now. And for the remote audience, I'll try to connect both. You have to be remotely. So this is a unique session in the sense that we are having an on-site session. Pehle hum log remote karte the. We used to have on-site sessions before COVID. We used to have this innovation lab in Delhi. So COVID ke baad ye pehla on-site session hai jo hum kar rahe hain. So for the regular audience, jo ki hame remotely join kar rahi hain, I welcome you all to the 10th special interest group session on Internet of Things. ये जो sessions हैं ये weekly basis पे होते हैं, and every Thursday we have people from industry and academia come together on a single platform, जहाँ पे हम different technologies के बारे में बात करते हैं. Going forward, those sessions IoT के और cyber security के वो seats में Dr. रिजवान साहब वही coordinate कर रहे होंगे, manage कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पे onsite हुआ. Two sessions जो कि ए आई और क्लाउड के हैं वो रिमोटली हुआ करेंगे. सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन. आप में से जिन लोगों ने पहले साइन अप किया हुआ, आई डोंट नो किसी को ईमेल आती है कि नहीं, बट वो मैं आपका यू नो मे बी आफ्टर दिस सेशन आई शेयर द लिंक, तो यू कैन साइन अप ऑन मेल इन. सो आज का जो सेशन है उसका एजेंडा इज वी हैव विद अस डॉक्टर अरशद अली. डॉक्टर अरशद आप में से शायद जानते हो, वो पहले ही यूज्ड टू बी द सीक्स, ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ सीक्स. आप में सारे लोग तो उन्होंने ये सीक्स इस्टेब्लिश किया, फिर उनका ये नीट होता था और फिर उन्होंने ये सीक्स इस्टेब्लिश किया. डॉक्टर रिजवान साहब तो ऑफकोर्स जानते हैं उनको. तो डॉक्टर अरशद अली देन वेंट ऑन टू बी हेड द एच ई सी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड राइट नाउ ही इज हेल्पिंग अस इन रनिंग दिस इनोवेशन लैब. इस इनोवेशन लैब का नाम है स्पिन लैब, सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी इनोवेशन लैब. और इस लैब के अंदर वी आर वर्किंग ऑन कि हम किस तरह इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजीज को एकेडेमिया के साथ इंट्रोड्यूस करें. ठीक है, तो द फर्स्ट सो द एजेंडा फॉर टुडे इज कि वी हैव कपल ऑफ मिनट्स फ्रॉम डॉक्टर अरशद. वो आपके कुछ अपनी थॉट्स शेयर करेंगे, एंड देन वी विल स्पीक स्पेसिफिकली टू आई शेयर विद यू कि आईओटी के सेक्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी एंड प्लस आईओटी इटसेल्फ क्या चैलेंजेस आते हैं. एंड देन आई शेयर विद यू आप में से जो लोग हु कैरी दैट, जिनको बिजनेस का शौक है, जो कि आईओटी के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, मे बी साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट किया जाए आईओटी के अंदर बिजनेस. सो देयर इज अ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी कॉल्ड आईओटी प्रैक्टिस बिल्डर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. एंड देन आई शेयर विद यू सम ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, कि आप में से कोई मिलकर काम करना चाह रहे हैं तो हाउ यू कैन कनेक्ट विद अस. आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर अरशद अली टू शेयर विद अस सम ऑफ द ओपनिंग रिमार्क्स. जी डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये ऑन साइट सेशन शुरू किया है और इसका आगाज भी सीख से किया है, तो मेरे लिए ये एक बहुत खुशी की बात है. एंड आई एम हैप्पी टू सी के सीक्स की फैकल्टी और स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर रहे हैं. जो बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि इल्म होना एक और चीज़ है, और इल्म की प्रैक्टिस करना और उससे फ़ायदा अपने आप को भी पहुँचाना और अपनी सोसाइटी को भी पहुँचाना, ये दूसरी चीज़ है. और हमारे माशरे में अगर आप देखें तो चाहे वो दीनी लिहाज से देखें या दुनियावी लिहाज से देखें, हमें इल्म तो है, हमें ये भी पता है कि सच बोलना है, हमें ये भी पता है पूरा तोड़ना है, हम कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं, हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इस इल्म का जो दीनी इल्म है इसका रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ में नहीं नजर आता है, जिसकी वजह से हम अगर सच बोलने का जो ट्रुथ इंडेक्स है उसको देखें, उसमें भी हम दुनिया में कोई 140वें नंबर पे हैं. अगर हम अपने जुडिशल सिस्टम के लिहाज से देखें, अदरवाइज हम देखें, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म हो, जब तक वो हमारी सोच पे असरअंदाज नहीं होता है और उस इल्म को हम
अमली जामा नहीं पहुंचाते हैं, उस वक्त तक उस इल्म का एक हद तक तो फायदा है, नमाज पढ़ने में सवाब भी मिलेगा, लेकिन वो सवाब साथ ही हम जाया कर देते हैं उस इल्म की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको फॉलो ना करने से। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज को प्रोपिगेट करता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाने के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन सिर्फ पता नहीं होनी चाहिए, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि उन एप्लीकेशन को ना सिर्फ वो डेमो की हद तक डेमोस्ट्रेट कर सकें, वो प्रोडक्ट उसमें से डेवलप कर सकें। अब आप अगर देखें तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, वो यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, वहाँ पे अगर हमारा थकी हुई यूनिवर्सिटी का जो किसी छोटे से शहर में है वो चला जाए, वो भी वहाँ पे जाके बहुत बड़ा वो एप्लीकेशन डेवलपर बन जाता है और साइंटिस्ट बन जाता है, और यहाँ पे हम बड़े ऑनर के साथ उसका सेमिनार भी करवा देते हैं, लेकिन जब वो हमारे ही सोसाइटी में होता है तो वो बिल्कुल जीरो होता है। तो इसकी वजह जो है बहुत बड़ी वो ये है कि यहाँ पे हमारे जो सोसाइटी है उसमें वो जो इल्म को अमली जामा पहनाना है वो वाली अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटीज में वो फैकल्टी मेंबर उस तरफ वो लेके नहीं जाते हैं। जो उसमें फैकल्टी मेंबर के अपने चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के कुछ रेगुलेशन उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो कंप्यूटिंग काउंसिल है उसके वो, लेकिन इन सारे चीज़ों में रहते हुए जिस तरीके से मैं जब सीक्स में था तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया था कि कुछ कोर्सेज में हम जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी सर्टिफिकेशन करवा देते थे, और उसका एक ज़माने में ये था कि इस्लामाबाद में आईबीएम में 90% जो स्टूडेंट्स थे वो सीक्स के ग्रेजुएट थे। अब अगर नहीं है तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत है कि यार पहले क्या ऐसी चीज़ थी, अब क्या चीज़ है जो कि इतना डिफरेंस है कि अब वहाँ पे नहीं है। तो और ये उस वक्त हमने ये किया था कि जो बच्चे सर्टिफिकेशन करते थे 20% जो स्कोर है वो हमने उनकी ग्रेडिंग में शामिल कर दिया हुआ था, ताकि बाय द टाइम एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स मुकम्मल करता है लेट से डेटा वेयरहाउसिंग का। इसी तरीके से जो टेरा डेटा है ये कॉन्सेप्ट और ये कंपनी यूं समझो कि सीक्स और फास्ट के जो हमने वहाँ पे एक्टिविटी शुरू की थी ये कंपनी ने वहीं से जन्म लिया। और आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी कि टेरा डेटा में का ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर पाकिस्तान में, और सारी दुनिया में जो टेरा डेटा की कंसल्टेंसी है वो पाकिस्तान से होती है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेटजिकली अपनी चीज़ों को लेके चलें देन वी कैन मेक अ बिग मार्क। और उसमें अगर आप खाली कोर्सेज पढ़ेंगे तो वो तो कोर्सेज सारी पढ़ें, अमेरिका में भी पढ़े हैं, इंडिया में भी पढ़े हैं, बाकी जगहों में भी पढ़े हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन किसने की हैं। और ये स्टूडेंट के लिए भी एक मैं तो कहूँगा मैसेज है कि वो अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में तैयार करें, बजाय इसके कि वो ये कहें सोचें कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा फिर मैं देखूंगा कि आगे मैंने क्या करना है। दे नीड टू प्लान एट अर्ली स्टेज और बाई द टाइम दे ग्रेजुएट दे शैल हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ सर्टिफिकेशन, क्योंकि जो मुस्तकबिल है उसमें आप देखेंगे कि जो कोडिंग है वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट द टूल्स एंड द पैकेजेस विच एग्जिस्ट विद इन द टूल्स, और जो ज़्यादा वैल्यू होगी उन लोगों की होगी जो कि उन टूल्स के साथ इंटीग्रेट करके सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। और आईओटी इज वन सच, वो अगर आपने आईओटी का एक सेंसर में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है
आपके लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आपके पास उस सेंसर से रिलेटेड नेटवर्किंग है, उस नेटवर्किंग से रिलेटेड डेटाबेसेस है, वो सारी एप्लीकेशन हैं और आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, देन यू हैव लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो दैट इज व्हाट आई वुड से. मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है कि हर साल तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब कंप्यूटर साइंस में लोग ग्रेजुएट होते हैं, और जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज की बारी आती है तो कोई सोचता है मैं एमबीए कर लेता हूँ, कोई सोचता है मैं कुछ और कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें से 2-3 हज़ार ही इंडस्ट्री लेना चाहती है, बाकी वो कहते हैं जी ये तो हमारे काम के ही नहीं है. लेकिन अगर आपने पहले से सर्टिफिकेशन की होंगी तो आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठी हुई कंपनीज रेकग्नाइज करेंगी, यू विल बी रेकग्नाइज वर्ल्ड ओवर के भाई ये शख्स उनके पास आईबीएम की सर्टिफिकेशन है, या दूसरी जो कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट है, की साइट है. तो इसलिए फैकल्टी से भी मेरी रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू हैव एन एबिलिटी टू डेवलप सॉल्यूशंस रादर देन द कॉन्सेप्ट और एबिलिटी टू डेवलप अ डेमो सॉल्यूशन. क्योंकि आप जब कोई सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, लोगों को डेमो का कोई फायदा नहीं है, उन्हें उस सॉल्यूशन का फायदा है जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई हो सके. और हमारी जिस तरीके से अब तो 230+ पॉपुलेशन है, एंड देर आर सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल अराउंड, आई एम श्योर दे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो आई विश गुड लक टू हाशिम एंड हिज टीम, एंड आई एम थैंकफुल टू एसपीएस एज वेल एज डॉक्टर रिजवान फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे उनका फ्यूचर डिफाइन करने में. सो गुड लक फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू हाशिम. थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी नाइस टू एक्सप्लेन. आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. यस, सेशन इज बीइंग it will be made available on YouTube. So I hope my screen is visible to all of those joining us remotely. Yeah, bilkul hai. Yes, sure. Okay. All right. So again, welcome to the audience. We just entered the hall. My name is Hashim Bharat, and I will present this company, Software Productivity Strategist, SPS. We're a technology firm, and we actually are very proud to have a lot of NERSC specifically Sikhs alumni working at very senior positions in our company. In fact, some of our vice presidents are also from Sikhs. They used to be your former faculty at Sikhs. Thoda sa main aapko karaa do, and then I'll build up to the agenda that you see on the screen. I work as a business consultant for this company, and I'm not a technical guy, so whatever I'll be sharing with you today will be purely from the बिजनेस परस्पेक्टिव. एंड आइडिया इज कि मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँ जो कि शायद आप यूनिवर्सिटी में पढ़ तो रहे होते हैं एकेडमिकली, लेकिन उसका इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं मिलता. एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, तो आई कैन गिव यू दैट परस्पेक्टिव. सो SPS इज एसेंशियली वर्किंग इन कपल ऑफ टेक्नोलॉजी एरियाज. उसके अंदर IoT है, साइबर सिक्योरिटी है और क्लाउड टेक्नोलॉजीज है. आप में से आई लाइक टू गेट अ पर्सपेक्टिव कि आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे ऑन साइट मौजूद हैं, जो कि IoT का कोर्स ले रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ले रहे हैं. एनीबॉडी हियर? आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं? IoT. सो आर यू इन अंडरग्रेड या ग्रेड? अंडरग्रेड. ओके. एनीबॉडी एल्स? साइबर सिक्योरिटी. जी जी. यहाँ पे किसने आप कौन सा? IoT. ओके. रेस्ट ऑफ यू आप लोग डबली के हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं? डबली के. ओके, दैट मेक्स सेंस, बिकॉज डबली इज वेरी रेलेवेंट टू IoT टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली. और ये डबली अब इंटेल का देख रहे हैं प्रैक्टिस बिल्डर, ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आप में से कोई IoT में जाना आसान नहीं होता, क्योंकि IoT की जो फील्ड है दैट इज इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स. अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी है तो ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन.
बट आईओटी के केस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है जो कि डिप्लॉयड सॉल्यूशंस की होती है. तो उसके अलावा जो आईओटी के सॉल्यूशंस होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक टू सर्टेन यूज केस. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने ऑटोमेशन करनी है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल लीविंग कमिंग इनसाइड द हॉल एंड गोइंग आउटसाइड द हॉल, सो वो स्पेसिफिक सेंसर्स आप यूज करेंगे वो स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए होंगे. एंड देन उसके लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दे आर ऑल्सो वेरी फोकस्ड. तो कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो let's start. One thing that I wanted to begin with is ke agar aap kisi se bhi aajkal especially double e wale aap log bhi sochte honge at some point ke ye data science ka aajkal bahut baat hoti hai, cyber security ki bahut baat hoti hai, ai ki bahut baat hoti hai. In fact kisi bhi aap undergrad se puche ya professional se hi puche, I know my friends wo jo business background ke they are starting courses in data science, but very few would want to go into IoT or cyber security. But the numbers that you see on the screen, they represent the market opportunity jo ki aaj duniya mein maujood hai. This is not AI, this is not data science, this is purely IoT as well as cyber security. IoT ki the total market value there is 742 billion. Pakistan mein 6 billion ka IMF ko loan lena tha, us pe pura hole khila hua hai. So just look at the opportunity that is there in the IoT. सेकेंड थिंग जिसमें आपको कहा जा रहा हूँ, आई ओ टी में देर आर डिफरेंट कम्पोनेंट्स होते हैं. एक होता है डिवाइस कम्पोनेंट, यानी जो सेंसर्स बनाते हैं, एक्चुएटर्स बनाते हैं, ट्रांसड्यूसर्स बनाते हैं, या आपसे शेयर करूंगा अगर. दूसरा कम्पोनेंट होता है जो कि उन डिवाइसेस से लिया गया डेटा, दे पास इट ऑन टू सम काइंड ऑफ अ सेंट्रल कंप्यूटिंग मैकेनिज्म. इट कुड बी ऑन द क्लाउड और इट कुड बी ऑन योर ओन डेटा सेंटर. सो कम्युनिकेशन की अपनी इंडस्ट्री मौजूद है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स डेवलप करने की अपनी एसोसिएशन हैं, and they are uske andar fir network components aa jate hain, IoT gateways aa jate hain. Fir back end pe software development, wahan pe fir jo software engineering ke log hain unke liye opportunity hoti hai ki IoT devices ko manage karna hai to kaise manage kiya jaye. That is known as, agar aap ye sare kaam kar rahe hain to you fall into the IoT solution builders category, and there is an opportunity of 263 billion. These numbers may sound to you like cliche at this point, lekin अगर आप में से जो बंदा अपने फ्यूचर को थॉटफुली प्लान कर रहा है, दे रियली रिप्रेजेंट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. एंड व्हेन देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप में से कोई अपना स्टार्टअप नहीं करना चाहता, तो दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज जॉब मार्केट जो कि पाई मौजूद है. थर्ड इज द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री. साइबर सिक्योरिटी आजकल कुछ अर्से पहले अभी पाकिस्तान में ये बैंक्स की ब्रीच हुई है, FPR की ब्रीच हुई है, 2017-18 में निजाम बैंक, बैंक इस्लामी की ब्रीच हुई थी. तो जितने क्रेडिट कार्ड का डेटा है वो जो डार्क वेब है उस पर सेल हो रहा है, मेरा और आपको क्रेडिट कार्ड करेगा. वी वर्क इन द यूएस. यूएस में अभी समर्स में देयर वाज अ ब्रीच ऑफ जेबीएस. जेबीएस इज अ मीट प्रोड्यूसर इन यूएस, और मीट प्रोड्यूसर वो इतना बड़ा है कि दे सप्लाई ग्लोबली, ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बल्कि एशिया पैसिफिक में भी वो लोग सप्लाई करते हैं. तो उनका सिस्टम जब ब्रीच हुआ, वो रैनसमवेयर है. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट रैनसमवेयर? तो रैनसमवेयर एसेंशियली ये होता है कि आई कम टू योर सिस्टम और मैं आपको लॉक कर दूंगा आपके सिस्टम से, आप अपने सिस्टम में लॉग इन नहीं कर पाएंगे. एंड देन आई लास्ट यू टू ट्रांसफर अ कपल ऑफ मिलियन डॉलर्स टू माय अकाउंट, जब वो ट्रांसफर करेंगे तो यू विल गेट यू नो एक्सेस टू योर डेटा. फॉर एज अ स्टूडेंट इट माइट नॉट बी अ लॉट ऑफ हैसल. एक्चुअली इट कुड बी कि आपने असाइनमेंट्स बनाई उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू सबमिट और आपके प्रोफेसर आजाद आपसे पूछ रहे हैं. बट लुक एट अ कंपनी, एक कंपनी जो ऑपरेशन रन कर रही है दुनिया भर में, मीट सप्लाई कर रही है, एंड दे आर सप्लाइंग टू लेट्स से मैकडॉनल्ड्स. अगर वो मैकडोनल्ड्स के मेजोरिटी मीट सप्लायर हैं एंड दे गेट शट डाउन, उनकी सप्लाई चेन काम नहीं कर रही, तो मैकडोनल्ड बैठ जाएगा. जब मैकडोनल्ड बैठ जाएगा तो उनकी हजारों की वर्कफोर्स ग्रोथ भी बैठ जाएगी. जब वो बैठ जाएगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज होना शुरू हो जाएगा. तो एक इंसिडेंट से ना सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजी इफेक्ट होती है, सप्लायर इफेक्ट होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इफेक्ट होती है, बल्कि इट देन ट्रांसेंड्स इनटू सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. तो जब ये जेबीएस का वाकया हुआ, तो इसके बाद दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वर हैपनिंग. इसी तरह कॉलोनियल गैस पाइपलाइन है अमेरिका में, ये जो गैस पाइपलाइन है ये वहाँ की, इट इज़ कॉल्ड दी सॉर्ट ऑफ द जगुलर पाइपलाइन. ये वहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे और गल्फ कोस्ट पे ऑयल सप्लाई करते हैं. इनका रैनसमवेयर हुआ समवेयर अबाउट 2-3 मंथ्स अगो, एंड द सेम थिंग हैपेंड. समबडी गॉट इनटू देयर सिस्टम, उन्होंने हैक कर लिया, उन्होंने कहा कि वाह हम इतने पैसे, आई थिंक दे ट्रांसफर्ड अबाउट 5 मिलियन लेटर ऑन, बट यू डोंट गेट टू यू नो कि बाद में हुआ क्या. बट एटलीस्ट देयर सिस्टम्स वर शट डाउन, और उनकी वजह से जो अटलांटा का एयरपोर्ट है, विच इज़ द बिजिएस्ट पैसेंजर एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, उसकी जो 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 फ्यूल ऑपरेशन है, दे वर गेटिंग डिस्टर्ब. आपकी ईस्ट कोस्ट पे लाइनें लगनी शुरू होगी. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब भी साइबर सिक्योरिटी की कोई ब्रीच होती है तो आपने किसी सिस्टम को पेनिट्रेट करना होगा, ठीक है.
यहाँ पे जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है? इट कुड बी अ सर्वर, इट कुड बी अ कंप्यूटर, इट कुड बी दिस लैपटॉप, इट कुड बी दिस स्पीकर सिस्टम, और इट कुड बी एनीथिंग दैट यू सी हियर दैट हैज अ कनेक्टेडनेस टू द इंटरनेट, ठीक है। द मोर परवेसिव और द मोर एक्सटेंडेड आईटी सिस्टम दैट यू हैव, द बिगर इज योर अटैक सर्विस, राइट। अटैक सर्विस से क्या मुराद है? अटैक सर्विस से वो तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं जो के आपके आईटी और ओटी सिस्टम को बनाते हैं। उसमें आपके इंडिविजुअल पेरिफेरल के डिवाइसेस भी आ जाते हैं और कोर सिस्टम भी आते हैं। अगर आज मैंने नस्ट का एलएमएस हैक करना होगा तो एलएमएस को, बिलीव यू मी, आई डोंट नीड टू कम हियर विद इन सीक्स, अगर वो यहाँ पे उसके सर्वर्स पड़े हुए हैं, आई कैन रिमोटली फाइंड अ वल्नरेबिलिटी जो कि शायद आपके किसी प्रिंटर के पोर्ट में हो जो कि नेट के ऊपर कनेक्टेड, एंड आई कैन यूज दैट टू गेट एक्सेस टू योर एलएमएस एंड गेट एक्सेस टू योर ग्रेड्स। सो ये जो चीजें हैं ये सारी कहलाती हैं अटैक सर्विस। अटैक सर्फेस कुछ अर्सा पहले ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरनल सिस्टम होते थे, बट विद द आईओटी स्मार्ट वॉचेज हम लोग यूज करते हैं, हम सब लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं घरों में, अब होम ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस आने लग पड़े, यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेस पॉइंट लग गए हैं गेट के ऊपर, ये सब चीजें होने की वजह से अटैक सर्फेस इज वर्चुअली इनफाइनाइट, यानी अटैक सर्फेस इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बहुत बढ़ चुके हैं। And that takes us to the sort of the ke why we need to secure our IoT devices. So the purpose jo aaj aapko yahan share karunga, aapke liye kuch takeaways bhi yahan se ho sakte hain. You can get some ideas for your semester projects. You can get some ideas for your final year projects. You can get some ideas ke aapne electives kaun se choose karne if you're still in that phase. Ya maybe aapne future mein masters mein program kaun se choose karne. मैं आपके साथ आई ओ टी डिवाइसेज को सिक्योर करने की कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करूँगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स। अगर आपने कल को होम ऑटोमेशन का स्टार्टअप बनाना है तो आप किसी भी घर में जब बेचने जाएंगे ना, वो कहेंगे कि यार यहाँ पे आप कैमरा लगा रहे हैं, इसको बाहर से कोई एक्सेस कर सकता है? आप मेरे बच्चे के कमरे में, मैं एक मदर हैं, वो कहती है मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ व्हाइल आई एम एट वर्क, तो ये कैमरे का एक्सेस किसी और के पास तो नहीं, बिकॉज देयर हैव बीन ब्रीचेस ग्लोबली। So as a startup oriented person or as somebody as a student, these kind of use cases are real applied research jo Dr. Arshad baat kar rahe hain. Agar aap logon ne for example theory padhni ho, that's a good thing, but engineering is a very hands on discipline and a good engineer is always very hands on. Ek cheez yaad rakhiye ki aap logon ne jitni theories physics mein ya chemistry mein padhi hain, real life mein aapko wo मोर लेस ज्यादा फायदा नहीं देंगी। जो फायदा देंगी वो आपको देंगे कि आप कितना डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हाउ मच हैंड ऑन यू आर, आप टूल्स ऑफ ट्रेड को कैसे यूज कर सकते हैं, आप ये कैसे देख सकते हैं कि मार्केट में जो चीजें मौजूद हैं, मुझे एक मसला हल करना है, घर में पानी की जो मोटर है वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो मैं सेंसर कहाँ से ले सकता हूँ, मैं उसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करके उस मोटर को ऑटोमेट कर सकता हूँ, एंड दिस काइंड ऑफ, एंड दिस इज वेयर इंजीनियरिंग कम्स इन। इंजीनियरिंग डजंट कम इन के अगर आपने बहुत सारी चीजें याद की हुई हैं, बिलीव मी आप रियल लाइफ में जाएंगे तो यू फेस इट। So I wanted to introduce you today कि आप कैसे उस approach को follow कर सकते हैं। So इसमें मैं आपके साथ first of all share with you कि IoT devices components क्या होते हैं, because those components then derive a lot of cyber security vulnerabilities। दूसरी चीज जो होगी वो क्या risks हैं, वो कौन से risk हैं जो आपने cover करने होंगे। The third is कि उनको cover करने के लिए क्या strategies आप अपना सकते हैं, and then at the end I'll share with you those exact toolkits या those exact items जिनको आपने review करना होगा। So, जो भी IoT डिवाइस होता है उसके essentially तीन components होते हैं। One is the component जो कि digital world को real world के साथ connect करता है। It is sort of the edge between the virtual and the real world। और ये normally एक sensor होता है, वो कोई ना कोई measurement ले रहा होगा। For example, the measurement could be in the form of temperature data, it could be in the form of humidity data, it could be in the form of any other measurement, light की आप measurement check कर रहे हैं या so on। दूसरा उसके अंदर होता है एक एक्चुएटर, यानी जो मेजरमेंट ली गई है उसकी बेस पे फिर देन यू हैव टू यू नो गिव अ फीडबैक टू द सिस्टम, जहां पे वो रियल वर्ल्ड में कोई चीज एक्चुएट करता है। यू नो दिस बेटर देन मी, आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। एक्चुएटर को रियल वर्ल्ड में कोई वो मोटर की स्पीड तेज कर देगा, कम कर देगा, पंप को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा, एंड सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसड्यूसर। दूसरी थिंग होती है इसके अंदर जो उसकी इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी होती है, एज अ ह्यूमन, एज अ मशीन ऑपरेटर, मैंने उस ट्रांसड्यूसर को कैसे कंट्रोल करना है, आइदर उस डिवाइस के ऊपर
एक ह्यूमन इंटरफेस मौजूद होगा थ्रू मे बी टच, थ्रू मे बी स्पीच रिकॉग्निशन और थ्रू सम अदर मैकेनिज्म, या उसका कोई एपीआई हो सकता है. एपीआई से आप लोग जो यू नो प्रोग्रामिंग से थोड़ा वाकिफ है, दे वुड नो कि मैंने अगर उस डिवाइस को कंट्रोल करना है तो इट विल हैव अ एप्लीकेशन इंटरफेस. तीसरी चीज उसमें होती है जो कि उसका नेटवर्क इंटरफेस होता है, यानी वो जो डेटा डिवाइस सेंसर्स कलेक्ट कर रहे हैं वो थ्रू सम काइंड ऑफ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, सम काइंड ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस मेरे सेंट्रल सर्वर्स या क्लाउड के अंदर जा रहा हूँ. देन देयर आर सर्टेन सपोर्टिंग कैपेबिलिटीज के वो डिवाइस को जो माउंटिंग है वो कैसे की जाएगी, जो डिवाइस है उसकी साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स कैसे होंगे, प्राइवेसी एस्पेक्ट्स कैसे होंगे. सो दीज कंपोनेंट्स आर दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी आईओटी डिवाइस. यहां तक एनी क्वेश्चंस एनी कमेंट्स प्लीज फील फ्री टू, आई वुड लाइक टू हैव दिस सेशन एज मच इंटरएक्टिव एज पॉसिबल, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, स्पेशली दिस ऑडियंस हियर ऑन साइट. आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर दिया. जब ये जो डिवाइसेस होते हैं इन डिवाइसेस की वजह से रिस्क की सोर्सेस क्या है, यानी वो रिस्क कहाँ से अराइज हो. पहला रिस्क तो ये है कि जब आईओटी का डिवाइस रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां से कुछ रिस्क अराइज होते. वो रिस्क क्या हो सकते हैं? पहला रिस्क तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्चुएटर है, वो एक जगह पे प्लांट के अंदर मौजूद है. आप लोगों ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का सुना होगा इंसिडेंट, तो वहां पे जो सीमेंस के सिस्टम्स थे उनके स्केडा सिस्टम्स को ब्रीच करके उन्होंने उसे कूलिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर दिया था, एंड दैट्स हाउ दे सॉर्ट ऑफ ब्लू डाउन. सो जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो आईओटी डिवाइसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां से कुछ रिस्क अराइज होते हैं, एंड दीज रिस्क आर समथिंग दैट यू वुड नीड टू अकाउंट फॉर जब आप अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज बना रहे होंगे. ये आपके एक्चुएटर से भी आ सकते हैं, एक्चुएटर के अपने फर्मवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, सेंसर्स के हिसाब से हो सकते हैं. फिर आपके पास आते हैं डिवाइस एक्सेस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग फीचर्स, कि आपके जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज कैसे करना है. अब आपके लेट्स से इफ यू आर अ कंपनी दैट हैज हंड्रेड्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस और वो फील्ड में मौजूद हैं जो कि जियोग्राफिकली स्प्रेड हैं, एंड आईओटी डिवाइसेस कन्वेंशनल आईटी सिस्टम्स की तरह नहीं होते कि प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सर्वर्स हैं. दे कुड बी वेरी स्मॉल इन द फॉर्म फैक्टर, दे कुड बी वेरी हार्ड टू मैनेज फिजिकली, तो दे कुड बी स्प्रेड जियोग्राफिकली कुछ यहाँ पे फिर बिग कंपनी कुछ किसी और रीजन में है दुनिया में. तो आप कैसे उन तमाम डिवाइसेस को मैनेज करें, दैट मैनेजमेंट इटसेल्फ रेजेस सर्टेन रिस्क फॉर यू. वो रिस्क क्या हो सकते हैं? अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है अपने आईओटी लैंडस्केप की तो यू डू नॉट नो कि आपने प्रोटेक्ट किसको करना है. जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, साइबर सिक्योरिटी में पहली चीज ये होती है कि आपने प्रोटेक्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑल द एसेट्स दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट. एक कंट्री की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आपने एक मुल्क को प्रोटेक्ट करना होता है तो उसकी एक टेरिटरी होती है, टेरेन होता है, उसके लिए आपने आर्म फोर्सेस रखे, राइट. आपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए एयर फोर्स मौजूद होगी, राइट. वाटर्स को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए नेवी मौजूद है, स्पेस को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए स्पेस फोर्स है, आजकल साइबर फोर्सेज बन गई. इसी तरह इन द फील्ड ऑफ आईओटी सबसे पहली चीज आपने ये जाननी है कि व्हाट इज इट दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट. उसके लिए पहले आपके पास उसकी इन्वेंटरी होनी चाहिए, your ability to access those devices and at any point see ke mere kitne devices kahan pe pade hain, unki state kya hai, online hai, offline hai, agar maine employees ko smart watches di hui hain, chal rahi hain, band ho gayi hain, unka battery status kya hai, so on. So usse there are certain risks that are. Then the third thing is pre and post market capabilities. Bahut sare IoT devices aise hote hain jo ki pehle se built in aate hain, jahan pe aapko vendor ये एबिलिटी देता है कि आप उसकी फर्मवेयर या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लॉग मैनेजमेंट होगी कि भाई जब भी डिवाइस एक्सेस हुआ बैटरी सर्टेन लेवल से नीचे चली गई तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. ये वो प्री मार्केट साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज हैं जो कि आईओटी के डिवाइसेस के अंदर मौजूद होते हैं. एज समबडी जो आईओटी के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अगर आपने आईओटी का कभी कोई प्रोजेक्ट करना हो ना तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती है. मैंने डिवाइस सेंसर को दे दिया, अब मैं इस सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंज करूं फॉर द पर्पसेस ऑफ माय ओन प्रोजेक्ट, फॉर माय ओन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. उसके लिए फिर आपको सप्लायर से रابطہ करना पड़ता है. बहुत सी दफा वो चीजें आपको प्री मार्केट में नजर नहीं आती, तो दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क. फिर पोस्ट मार्केट होता है कि आपने प्री मार्केट को उन्होंने एक्सेस दे दिया, क्या आप अपनी मर्जी से अपनी साइबर सिक्योरिटी अपने मुल्क की पॉलिसीज के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. मे बी आपने डिवाइस को रजिस्टर कराना हो पीटीए के साथ, PTA आपसे कहे कि आप हमें इसकी फलानी डिटेल्स दें. देयर इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. अगर आपने किसी ने प्रोजेक्ट किया हो तो PTA से रजिस्टर कराना हो तो इज अ होल टेक्निकल प्रोसेस. उसके लिए आपको
उन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का एक्सेस चाहिए होता है जो कि अगर वेंडर ना दे तो आपको मिलेगा ही, पर अगर आप पीडीएस रजिस्टर नहीं कराएंगे तो वो आपको इंपोर्ट नहीं करने देंगे, इंपोर्ट नहीं करने देंगे तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड सो ऑन. सो ऑल ऑफ दीस प्री एंड पोस्ट मार्केट कैपेबिलिटीज दे अफेक्ट योर साइबर सिक्योरिटी रिस्क. सो ये जो अभी मैंने आपसे रिस्क बताए, इन रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या गोल्स होने चाहिए? पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए कि मैं डिवाइस की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करूँ, उसको मैनेज करूँ, यानी द डिवाइस और आईओटी कंपोनेंट. दूसरा पार्ट आ जाता है कि अगर वो आईओटी डिवाइस कोई डेटा प्रोसेस कर, इवन इफ द डेटा इज बीइंग used, is being collected or processed or if only the device is only using it to transmit the data, तो फिर data security को manage किया जाए. The third aspect is कि अगर उस data के अंदर कोई personally identifiable information होती, पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा challenge नहीं आता, लेकिन बाहर especially अगर आपके medical IoT devices हैं, pacemaker है, किसी ने use किया है और उस pacemaker के through patient का health data है, that's a privately you know, personally identifiable information, तो उसकी काफी compliance की requirements होती हैं. तो आप कैसे IoT devices के अंदर इन aspects को built in करें कि ये data कभी breach ना हो, because one breach can put you out of business very easily. So ये तीन aspects जो होते हैं ये IoT की industry में बड़े key होते हैं. इनको manage करने के लिए आप क्या aspects हैं जिनको देख सकते हैं? पहला aspect आता है asset management. यानी मुझे मैंने आपसे बात की थी कि यू नीड टू हैव अ विजिबिलिटी कि जो आपके आईओटी के सेंसर्स हैं वो कहाँ हैं, कितने हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, उनके एडमिन्स कौन हैं, यूजर्स कौन हैं, सुपर एडमिन्स कौन हैं. तो यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू इन्वेंटोरी ऑल ऑफ दोज एसेट्स एट एनी गिवन पॉइंट, और वो इन्वेंटोरी हर वक्त अपडेटेड होनी चाहिए. ये क्यों जरूरी होता है? अ रेगुलेटर में कम इन एंड आस्क यू कि आप जितने हेल्थ केयर के आईओटी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं, मुझे जरा दिखा दो. अच्छा, उसका एक्सेस किस किसके पास है? There could be IT audits in which you need to provide this information. So this is one of those critical components. Unless you have this ability, आपको यही पता होगा कि मैंने protect क्या किया. तो एक अच्छा IoT device आपको अपनी device की एक identity देगा, चाहे वो physical होगी या logical होगी. Because अगर वो unique identity नहीं होगी तो आपका asset management system में आप उसको track नहीं कर पाएंगे. I shared this with you in a minute. दूसरी चीज़ आई थी vulnerability management. vulnerability management ये इस तरह है कि अगर आपने अपने IoT devices को protect करना है तो first you need to scan them for any vulnerabilities. vulnerabilities किसी भी software के अंदर या hardware के अंदर वो gaps हैं जिनको use करके कोई भी threat actor exploit कर सकते हैं. उसके लिए आप IoT devices को scan करते हैं and in those scanning mechanism, automated or manual, you find those vulnerabilities. So your ability to carry out vulnerability assessments lies in your vulnerability management tool. So if you want to protect your devices, if you want to protect the data that lies on the devices, तो आपको ही पता होना चाहिए कि मैंने उन vulnerabilities को identify कर लिया है, उनके patches अगर available हैं तो run कर दिए कि नहीं कर दिए. जो आप लोग Windows use करते हैं अक्सर वो updates आते हैं, उन updates में क्या होता है, the patches that the manufacturer is providing you, कि भाई ये loop, आजकल वो log 4j की vulnerability आई है दुनिया में, आपने से किसी ने न्यूज पढ़ी हो, तो लॉग 4j ने यू नो मुल्कों की आर्मीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर दिया रिसेंटली. अपाची यूज कर लिया, वो देयर अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम की लॉग्स बनाता है, उसकी एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके देयर अ ह्यूज बिजनेस होता. सो दैट्स द सेकंड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज एक्सेस मैनेजमेंट, कि डिवाइस पे एक्सेस किसके पास होना चाहिए और कितना होना चाहिए. यानी एक कंपनीज में होते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एलएमएस रनिंग हियर, तो आपके पास जो एक्सेस है वो अपने तक का है एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट यूजर. फैकल्टी के पास एक फैकल्टी यूजर का एक्सेस होगा, उनके पास प्रिविलेजेस डिफरेंट होंगे. देन देयर आर सुपर यूजर्स जो कि एडमिन्स होते हैं, एडमिन्स के पास प्रीमियम प्रिविलेजेस होते हैं, बट दोज प्रिविलेजेस कम विद एडिशनल रिस्क. यानी जिसको आपने कीज टू द किंगडम दे दी वो तो कुछ भी कर सकते हैं. तो व्हाट इफ दैट पर्सन यू नो हैज अ मैलिशियस इंटेंट और वो सिस्टम के साथ कुछ करें. तो सेम अप्लाइज टू आईओटी, के आईओटी डिवाइसेस की एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होगी, यूजर कौन होगा, पासवर्ड मैनेजमेंट एंड सो ऑन. देन डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर आपका आईओटी डिवाइस है एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर पेमेंट सिस्टम्स बैंकिंग के अंदर, तो और वो ट्रांजेक्शन को कैप्चर करें, जब पीओएस डिवाइसेस में अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं दुकान में तो अब उसके अंदर इनोवेशन आ गई, तो वो आपका क्रेडिट कार्ड का डेटा प्रोसेस कर, how is that data protected? उसके लिए PCI DSS, payment card industry के standards हैं,
that require you to comply with those requirements. So any IoT device needs to make sure that you have to give a standard then go comply with it. And they could be, you know, healthcare related, financial or so on. Then I think incident detection. If your system is being breached, so can you detect that? Bangladesh mein ek bank mein kuch saal pehle breach hua tha jiske andar wo printer ke through they were able to transfer millions of dollars to the Sprint network. Ab wo unko detect karne mein time kyun laga kyunki incident response unka us component ko dekh hi nahi raha. Yani breach ho gayi hai, somebody is in your systems, they are doing what they want to do, lekin agar aapke cyber security ke jo engineers hain they do not have the ability to detect that, to phir wo aap जितना भी आगे आपने प्लान किया हो तो देयर इज नो यूज ऑफ इट. सेम अप्लाइज फॉर आईओटी. आईओटी डिवाइसेस के अंदर जो इंसिडेंट्स लॉग्स बन रहे हैं वो बन भी रहे हैं कि नहीं, अगर बन रहे हैं उनका एक्सेस किसके पास, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, उस पर रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं. अगर आपको पता लग गया कि आपका कोई आईओटी डिवाइस ब्रीच हो गया, ठीक है, कोई आपका बॉयलर के साथ सेंसर लगा हुआ था उसको किसी ने ब्रीच कर लिया, वो आपको कह रहा है कि यार आपके बॉयलर का टेम्परेचर इन कंट्रोल है बट गेस व्हाट, इट्स नॉट इन कंट्रोल, किसी ने उसकी मेजरमेंट्स की इंटेग्रिटी को छेड़ दिया. इंटेग्रिटी साइबर सिक्योरिटी में बड़ा कंपोनेंट होता है, यानी आपका जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल तो है लेकिन उसने उसकी मेजरमेंट चेंज कर दी. आप समझ रहे हैं कि आपके जो प्लांट है वो सही चल रहा है और कुछ देर बाद ब्लो अप कर देते हैं. सो योर एबिलिटी टू डिटेक्ट दोस थ्रेट्स दोस इंसिडेंट्स इन अ टाइमली मैनर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर पीआईए वो जो मैं आपको बताता हूं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, यानी एनीथिंग दैट इज वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल टू यू, इट कुड बी योर हेल्थ डेटा, it could be your banking data or it could be something else jo ke regulated ho. To wo agar IoT device process kar raha hai to uske upar aapne kya compliance ke requirements meet ki hain, jo regulators kehte hain kya wo cheeze aapne IoT devices mein built in kiye. For example, regulator kehta hai ki jo aapka healthcare ka data hai wo sirf kuch logon ke paas hona chahiye company, aur agar wo data devices se pada ho to kya sirf unhi logon ko uska access hai ya kisi aur ko bhi access hai. And so then so what are the actual if you are working on IoT, so what are some of the things that you can look out for in order to get that base level of comfort ke bhai ye mera IoT device secure hai ki nahi. So usme these are some of the technical capabilities jo ki aap apne IoT solutions mein build kar sakte hain. So the first one is the device identification. Device identification, jaise maine aapko bataya, your ability, agar aapko IoT devices padhe ho na, to jaise SIM ka ek IMEI number hota hai, aapke hardware ke MAC addresses hote hain, you can use those to locate your devices at any point as long as they are in the network. To har IoT device ki ek logical identification hoti hai aur ek physical identification hoti hai. Unless you have that identification available, तो आप उसको अपने इन्वेंटोरी सिस्टम में ट्रैक नहीं कर सकते. इफ यू कैन नॉट ट्रैक इट इन इन्वेंटोरी सिस्टम, दैट मींस कि आप उसकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट नहीं, आप स्कैन कर रहे होंगे वो डिवाइस आएगा नहीं आपकी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर. सो दैट्स अ थ्रेट दैट्स लाइंग देयर इन योर सिस्टम. सेकंड थिंग आई थिंक डिवाइस कॉन्फिगरेशन. डिवाइस कॉन्फिगरेशन में ये होता है कि जो आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट कम विद द आईओटी, उसमें फर्मवेयर भी हो सकता है या उसका कोई एडमिन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो क्या आपके पास ये एबिलिटी है कि उस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट उसको मॉडिफाई कर सके. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट कर रहे थे स्मार्ट वॉचेस का, और वी इंपोर्टेड कपल ऑफ वॉचेस फ्रॉम चाइना. तो उसके अंदर वी हैड टू रीच आउट टू वेंडर कि हमें वो कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल का एक्सेस दे, बिकॉज वी नीडेड द एक्सेस इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दोस वॉचेस फॉर आवर प्रोजेक्ट, एंड अनलेस वी डिड दैट तो हम अपना प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. तो आपको फर्मवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर या मिडलवेयर लेवल पे उन चीजों का एक्सेस चाहिए होता है. सो एनी गुड आईओटी डिवाइस विल गिव यू द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस. देन आई थिंक डिवाइस प्रोटेक्शन. डिवाइस प्रोटेक्शन में देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स जो कि बिल्ट इन होते हैं. फॉर एग्जांपल, डिवाइस के जो कम्युनिकेशन है वो सर्टेन प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी, वो पहले से वेंडर ने बिल्ट इन किया होगा, ठीक है, और उसके सर्टेन उसने ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सेटअप किए होंगे. अगर एक आईओटी डिवाइस में ये बिल्ट इन नहीं है तो देयर इज नो यूज फॉर योर साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी. देन लॉजिकल एक्सेस. लॉजिकल एक्सेस ये है कि आई डू नॉट नीड टू बी इन बांग्लादेश इन द सेंट्रल बैंक इन फ्रंट ऑफ द प्रिंटर टू ब्रीच. मैं हांगकांग में बैठ के उनके प्रिंटर को ब्रीच कर सकता हूँ. तो मेरे लॉजिकल एक्सेस है आपके आईओटी डिवाइसेस का, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज फिजिकली तो शायद आप पैरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, लेकिन लॉजिकली एक्सेस मैनेज करने के लिए अगेन दिस हैज टू कम फ्रॉम द
मैन्युफैक्चरर, देन सॉफ्टवेयर अपडेट्स, क्या वेंडर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं दे आर कॉल्ड ब्लैक बॉक्सेस. जैसे कोई अच्छा एआई का एल्गोरिथम होता है, तो एआई के एल्गोरिथम के अंदर अनलेस यू कैन सी इनटू द लॉजिक, तो एज अ यूजर आप उसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, यू आर ब्लाइंडेड इन. तो आईओटी डिवाइसेस भी ऐसे होते हैं, दे आर ब्लैक बॉक्सेस, आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है. दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉन्फिगरेशन या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म. सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एन आईओटी सॉल्यूशन, your ability to get the manufacturer to give you those updates is also very important. Of course, it's not a matter of your decision, it's a matter of manufacturer's policy ke kya wo de rahe hain, but that's an aspect jo that's important jab aap us project ke liye use kar rahe hain. Let's say if you're building a huge investment proposal for a customer, aur usme jab components use kar rahe hain, jab wo production mein chala jata hai, to wo component ka manufacturer uske updates karna rok dete hain, and you only get to know this only at you know, very late in the life cycle of the product. So this could mean a disaster. Then cybersecurity state of it. At any point, jo aapka IoT ka device hai, uski cybersecurity ki state kya hai? State se kya murad hota hai? Kya device logs collect kar raha hai? Kya device apne desired mechanism ke mutabik chal raha hai? Aap certain benchmarks aur parameters set up kar dete hain. Aur usse jo bhi deviation ya jo koi incident hota hai, तो हर वक्त आपको अपना एक सिग्नल भेज रहा होता है कि भाई मैं जैसे सिस्टम तो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आई यूज दिस Lenovo, Lenovo का बिल्ट इन एक वो फिल्टर आती है जिसमें बताता है कि आपका सिस्टम जो है 96% सिक्योर है. सो इट इज गिविंग मी अ स्टेट ऑफ माय सिस्टम्स अवेयरनेस. इसी तरह हर आईओटी डिवाइस के अंदर, एक अच्छे आईओटी डिवाइस के अंदर, इफ यू वांट टू हैव अ बेसलाइन सिक्योरिटी, तो दिस एबिलिटी नीड्स टू बी देयर कि ये डिवाइस कितना सिक्योर है, स्पेशली जो डिवाइसेस आप प्रोडक्शन में यूज करें, वहां पे ये चीज और क्रिटिकल हो जाती है. Then there are certain non-technical baselines. Non-technical baselines mein essentially wo periphery ki cheeze hain. Maslan, aapne ek sensors mangwaye hain China se. Is there sufficient documentation coming with the products ko use karke aap apne project mein unko include kar sakte hain? Handbooks, uske runbooks, usko koi materials saath aaye ki nahi hai? And a good your ability to get that comfort in terms of cyber security, वो documentation से पता लग जाता है. जितनी अच्छी documentation होगी ना, इसका मतलब है कि ये समझदार manufacturer है, इसने की चीज़ें सोच बनाई हैं. तो documentation में आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे suppliers, हमने कहाँ कहाँ से components resource किए हैं limited manner, हमने इसका software बनाने में अपनी methodology क्या use की, हमने cyber security की क्या processes built in किए हैं इसको. फिर information curious करते हैं, यानी अगर कोई incident होता है तो क्या मेरा मैन्युफैक्चरर मेरी क्यूरी पे रिस्पॉन्ड करेगा? अगर आज मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट ब्रीच होता है, क्या माइक्रोसॉफ्ट मुझे कोई कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है? क्या मैं रीच आउट कर सकता हूँ किसी को? तो वो बड़ी जरूरी होती है कि अगर साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो जाए तो मेरे जो आईओटी के कंपोनेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स मुझे सपोर्ट करेंगे रिकवरी के अंदर कि नहीं करेंगे. एंड दैट्स अ होल प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं. Customer support team infrastructure. Then information dissemination. अभी मैंने आपको log 4j की बताई, तो मुझे रोज emails आ रही होती हैं different cyber security vendors की तरफ से कि भाई semantic या दूसरे की terminology कि भाई ये log 4j की vulnerability होगी, तो हमने अपने systems के लिए ये patches available कर दिए हैं, ये articles हैं, ये चीजें आप देखें, हम इस पे regular update कर रहे होंगे इस link पे कुछ. तो a good IoT vendor will provide you with that information dissemination mechanism, जहाँ पे जाके आप करंट और अपडेट रह सकते हैं विद द साइबर सिक्योरिटी. जी प्लीज. लॉग 4j इज अ वल्नरेबिलिटी जो कि अपाची का एक लॉगिंग का पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इसके अंदर आई है, एंड उसको एक्सप्लॉइट करके, फॉर एग्जांपल आज सुबह पढ़ा था कि बेल्जियम की जो बल्गारिया की जो आर्मी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस हैकर्स के पास हो गया. सो एसेंशियली इट्स कंसीडर्ड दिस एज अ बैक डोर. अगर मैंने आज इस सिस्टम में घुसना है ना, तो आइदर आई नीड टू बी अ लेजिटिमेट यूजर या मेरे पास कोई बैकडोर होनी चाहिए. वो बैकडोर कुछ भी हो सकती है, लॉग 4j इज वन सच बैकडोर. वो एक लॉगिंग सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर से हैकर्स ने उसको ढूंढा और उसको इस्तेमाल किया. जी
इसके लिए देयर इज अ टर्म कॉल्ड थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट, और वो इसलिए की जाती है कि अगर मैं अब कोई भी यू नो आप दुनिया में मैन्युफैक्चर उठा लें, सब कुछ होता नहीं बना रहा, टेस्ला है अपनी गाड़ियों के टायर तो नहीं बना रहा, वो कहीं स्टोर कर रहा, वो बैटरियों में दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग दोस बैटरी टैक्स, बट उसकी जो जो वो शीट्स हैं लोहे की एलुमिनियम की वो कहीं और से मंगवा रहे होंगे, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स कोई और होंगे, उसके मैकेनिकल अगर कोई वैसे तो टेस्ला में है नहीं लेकिन वो बहुत कहीं और से होंगे। सो जब आप डिफरेंट वेंडर से चीजें ले रहे होते हैं जो मैन्युफैक्चरर, तो वहां पे आप हर वेंडर के साथ जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो यू रन दिस थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट, और उसके अंदर आप पहले से ये तय करते हैं कि यार अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई रिस्क क्या है, अगर कोई रिस्क मटीरियलाइज हो गया तो मैंने इसको मिटिगेट कैसे करना है, ब्रीच के केस में जिम्मेदार कौन होगा, लाइबिलिटी उनकी होगी हमारी होगी, तो उसमें ये होता है कि एसेंशियली अनलेस यू हैव डन योर ड्यू डिलिजेंस, मतलब आप ड्यू डिलिजेंस किसी हद तक कर सकते हैं, यू हैव टू रन योर बिजनेस, बट व्हेन अ ब्रीच हैपेंस यस वो लॉस को आता है, आपके कस्टमर का ट्रस्ट लूज होगा एंड यू विल हैव फाइनेंशियल लॉसेस, रेगुलेटर्स आपके पास आ जाएंगे, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ रिस्क होते हैं उनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, सो थ्रू दिस रिस्क असेसमेंट साइबर सिक्योरिटी टूल्स लेके वर्कफोर्स को ट्रेन करके अच्छे सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करके तो आप उसको यू नो ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज़ यू कैन। सो एंड द लास्ट थिंग इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, आईबीएम, सिमेंटेक, कैस्पर्स्की ये सारे वेबिनार्स कर रहे होते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स हो रही होती है, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, जो कि रेगुलरली ये अपने कस्टमर्स को अपने जो भी इनके नेटवर्क में होते हैं स्पेशली कस्टमर्स उनके लिए रन कर रहे होते हैं, जहाँ पे कस्टमर के स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं, सो एनी गुड आईओटी सप्लायर विल हैव एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस मैकेनिज्म आल्सो, बिकॉज उसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैं आई वांटेड टू शेयर विद यू कि आईओटी और उसके साइबर सिक्योरिटी के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। So if any one of you, especially those who are with us online, usme if you are interested in building a career in IoT, to aap kaise build kar sakte hain? IoT ke andar ka hardware ka jo component hota hai wo biggest barrier hota hai ki bhai hardware ko kahan se lenge, hardware ki skills sabke paas nahi hoti. Maybe some of you are not from the delivery background, just software wale log hain, unke liye ye aur hi ek challenge ban jata hai. So ye by the way these are some of the challenges jo maine aapke shuru mein share kiye the, ki your ability to familiarize yourself with a particular use cases, context kya hota hai, har IoT hardware ka use case apna hota hai, wo bada specific bane hota hai, jaise main laptop le lu, main laptop chahe aaj apne कोडिंग के लिए यूज करूँ या मैं उसको जाना किसी प्लांट के किसी मशीन के साथ कनेक्ट कर लूँ, दीज आर जेनेरिक कन्वेंशनल आईटी सिस्टम्स। आईओटी के जो सॉल्यूशन होते हैं दे आर नॉट कन्वेंशनल, दे आर वेरी यूज केस फोकस्ड। फिर उनकी इनेबलमेंट एंड ट्रेनिंग वो बिल्कुल अलग होती है, मैंने अगर आज प्रोग्रामिंग सीखनी है मैं कोड अकेडमी पर जाकर इवन फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड सीख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आईओटी के लिए मे बी देयर इज मोर रोड ब्लॉक्स दैट आई नीड टू कवर, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन टू आईओटी बिजनेस विच इज अ ह्यूज बिजनेस, जरूरी नहीं है कि आपको तमाम कंपोनेंट्स पे खुद काम करना है। मैंने आपको टेस्ला की एग्जांपल दी, दुनिया में सॉल्यूशंस कंपोनेंट्स बने हुए पड़े हैं, और जो डॉक्टर अर्शद ने शुरू में बात की, योर एबिलिटी टू मैच मेक दोस कंपोनेंट्स एंड क्रिएट अ सॉल्यूशन जो कि सोसाइटी के किसी मसले को हल कर रहा हो, वो ज्यादा जरूरी होता है, एंड दैट्स वेयर योर इंजीनियरिंग एक्यूमेंट कम्स इन। अ गुड इंजीनियर इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप देखते हैं मेरे पास दुनिया में क्या क्या कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस मौजूद हैं और उनको मैं कैसे जॉइन करके एक ऐसा वो प्रोडक्ट बना दूं जो कि मसले को हल करे। अब हमारे सामने डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, ये टैक्सी इंडस्ट्री की, होटलिंग इंडस्ट्री की, ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, बट आईओटी इज अ बिग सेगमेंट जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अंदर अभी डिस्क्रिप्शन होना बाकी है। तो इसके लिए यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन हार्डवेयर, यू डू नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, वो ZigBee और वाईफाई और 5G और LTE के प्रोटोकॉल्स का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, दैट्स थ्रू जिनके थ्रू जो सेंसर्स का डेटा कम्युनिकेट होता है आपके सेंट्रल क्लाउड। सो यहाँ पे आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कैसे आप IoT का एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं बाई यूजिंग व्हाट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट।
इसके लिए देर इज अ मेथोडोलॉजी जो कि है आईओटी की, सॉरी इंटेल की. इंटेल इज ऑफ कोर्स बिगिंग ऑफ थिंग ग्रीन कंप्यूटिंग, बट देयर कोर फोर्टे लाइज इज इन हार्डवेयर. इंटेल का एक मेथोडोलॉजी है विच इज कॉल्ड प्रैक्टिस बिल्डर मेथोडोलॉजी. मैंने पहले एक सेशन में शेयर की थी, बट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस टुडे आल्सो कि इस दिस लिंक विल बी अवेलेबल बाय फॉर यू बाय द वे. और इस लिंक पे जाके आप लोग यू कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड I'm going to log in. So, for example, अगर आपने I'll share with you some examples के मार्केट में किस तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं जो कि इंटेल की तरह की कंपनीज चाह रही हैं कि लोग उनकी ऑनरशिप लें और उनकी बेस पे कस्टमर्स के मसले हल करें. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी हेल्थ केयर के अंदर, आई बीन मेंशनिंग हेल्थ केयर इन माय टॉक. सो हेल्थ केयर के अंदर टेली हेल्थ मॉनिटरिंग, जो कोविड में आपने देखा होगा काफी सारी आजकल एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं कि आप घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें, इवन आप घर पे वो डायग्नोस्टिक रिमोट लैब है जो 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 मॉनिटरिंग तो इसके अंदर स्पेसिफिक यूज केसेस हैं, यानी टेली हेल्थ बियॉन्ड वीडियो, दैट्स अ सॉल्यूशन दैट इज अवेलेबल विद इन इंटेल कैटलॉग. अगर आप में से कोई हेल्थ केयर के अंदर इस सेगमेंट में कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहा है तो आपको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं. आप यहाँ पे जाएं, देयर बेसिक कंपोनेंट्स लाइंग अराउंड, आपने उनको अपने सर्कमस्टेंस अपने लोकल प्रॉब्लम के लिए यूज करके मॉडिफाई करना है एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, राइट. इसी तरह ये इन पेशेंट टेली हेल्थ का है, वर्कर सेफ्टी का है. वर्कर सेफ्टी आप में से जब लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, लास्ट वीक देयर वाज एन इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग, तो उसमें दे मेंशन कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम फिर कोर्स भी ऐड किया गया डबली के अंदर, ये डबली तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज्यादा है, तो बेसिक कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, इनको यूज करके यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट. इसी तरह यू नो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज, रिटेल, स्मार्टर सिटीज, अगर मैं स्मार्टर सिटीज में जाऊँ तो आप पब्लिक सेफ्टी का कोई एरिया है उसके अंदर यू फील देयर इज अ सोसाइटी प्रॉब्लम या बिजनेस प्रॉब्लम, तो ये कुछ प्री बिल्ट सॉल्यूशंस हैं जिनको यूज करके आप एक आईओटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं. सिमिलरली ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एनवायरमेंटल मॉडल, लेट्स सी एजुकेशन में क्या है. एजुकेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में वेटिंग ना करें, तो वेटिंग को अवॉइड करने के लिए व्हाट आर सम आईओटी सेंसर्स को यूज करके, डिटेक्शन मैकेनिज्म को यूज करके आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं. दैट वुड बी समथिंग जो कि डॉक्टर रिजवान या मेरी अदर फैकल्टी वुड बी लुकिंग टू हैव. इसी तरह स्टूडेंट को ट्रैक करना है एंड 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 यू नो आपने स्कूल की बसेस को ट्रैक करना है. पाकिस्तान में तो तरह नहीं है, अमरीका में हर दूसरे दिन किसी स्कूल की बस पर ट्रैक हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है. तो इफ यू वॉन्ट टू मेक द एजुकेशन प्लेसेस सिक्योर फॉर योर किड्स एंड फॉर द school going individual, uske liye aapke kya solution, let's take a look at it. So ab ye hai, ye student tracking and wifi for school buses. So what the solution does is ki LTE connectivity ko use karke is students ko track karta hai ki wo transportation jab unki ho rahi hai to or from school, and then you can send messages to parents, to teachers and so on. And these are all representing business opportunities. Ye sab aise nahi hai, ye agar Intel bana raha hai, that shows you that business opportunity on aise nahi hai. And what I'm trying to convey here is ki aap mein se koi especially jo remotely bhi hamare sath join kar rahe hain, usme if one of you is interested to take leadership in this, so I'll share with you a form aur aap us form ko fill karein, usme apna data share karein, then somebody from my team will reach out to you. Uske andar wo aapse aapki skills samjhenge ki aapne kaun se courses padhe hain, कुछ सर्टिफिकेशंस की होंगे वो कौन सी थी आपके इंटरेस्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्रिएट अ टीम जिसको यूज करके आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं.
उसके अंदर आईओटी विल कम इन प्ले, साइबर सिक्योरिटी विल कम इन प्ले, हार्डवेयर विल कम इन प्ले, इंटेल की मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड इसमें आई स्टॉप एंड देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस रिमोटली फॉर दोस रिकॉर्डिंग. जी तभी बात करें जब उनको बुलाया गया वैसे अपना वो स्क्रीन प्रोटोकॉल है. तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जब कोई प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो प्री मार्केट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट वेंडर हो पाए उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको हम टिक करके आगे चले जाते हैं इफ यू गो इनटू द डिटेल्स तो आपको वहीं पर समझ आ जाएगी कि ये किस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे. एज अ कंज्यूमर यू रियली डू नॉट हैव अ कंट्रोल टू गेट देम नॉट टू डू व्हाट यू वांट टू डू. But if you're a business and your business that has a negotiation ability, influence their offer transaction, then you can only get them to change their terms and conditions. Otherwise, you can see their what and when they will be, कोई services like आ रही होगी या कोई services shutdown हो रही होगी. उसके on top आप फिर अपना एक कोई firewall build कर सकते हैं. आप कोई अपना साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा सकते हैं कोई आईओटी सिक्योरिटी गेटवे रख सकते हैं फॉर एग्जांपल टू मैनेज ऑल द आईओटी ट्रैफिक फ्रॉम द डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस. बट फ्रॉम द वेंडर पर्सपेक्टिव देयर इज ओनली सो मच दैट द कंज्यूमर हैज टू. ये चीज को प्रिवेंट नहीं करती कि हम प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं तो आपका डेटा कोई गेटवे वगैरह गूगल पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर या आपके प्रोडक्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस इन्वॉल्व्ड तो इसके लिए सेंट्रल जो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर जो डिवाइस मैनेजमेंट के सॉल्यूशन होते हैं जहाँ जैसे आईबीएम का वाटसन का आईओटी प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रेंज ऑफ आईओटी मैन्युफैक्चरर्स के डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. एक सेंसर है जो किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाया मेजरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं एंड यू कैन यूज दोज मेजरमेंट्स टू cause some action in an actuator जो भी किसी और manufacturer का बना हो but इसके लिए वो centralized connecting ability चाहिए होती है and that's वो जो मैंने आपसे mention किया था कि उसमें आपने जब खरीद रहे होते हैं तो your ability to assess that functionality available होगी कि नहीं होगी वो जरूरी है. जी any other question comment or maybe feedback. No comment. How do you, based on what I mentioned to you, आप लोग जबरी से हैं स्पेसिफिकली आप में से कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आप लोग क्या फ्यूचर में सोच रहे हैं करने का स्पेशली जहाँ पे ऑन साइट मौजूद हैं while you are in जबरी but what are your career plans? इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं सर्किट डिजाइन की तरफ जा रहे हैं किस तरह. You don't have to say it, there is no judgment. Then feel free to share. No plans for future? आप इसे किस semester में भाई था? Most of them for final year या final year. तो अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा कि आगे क्या करना है? So the reason I'm asking this is because especially double E के लोगों के लिए I wanted to share with you something. जो कि आप ऐसे आर एफ माइक्रोवेव भी पढ़ रहे हैं आर एफ के माइक्रोवेव या मेजरमेंट टेस्टिंग की डिवाइसेस बिकॉज देयर इज वन ऑफ द कंपनीज दैट वी वर्क विद और उनका एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है
उस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जो आप लोग दबई के बैकग्राउंड से हैं, दे हेल्प यू गेट दो स्किल्स, अगर आपको गेन कर लें तो आपको जॉब बहुत तो इफ यू गो टू पी साइड टेक्नोलॉजी आई थिंक ये जो आपका रिम्स है यहाँ पे रिम्स इज आल्सो देयर आर होल्डिंग दिस कॉन्फ्रेंस और द पी साइड इज कमिंग दैट कॉन्फ्रेंस तो अगर आप में से अब पी साइड वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कुर्सी तो लटके प्लानिंग योर करियर So look out for these vendors, look out for these companies, because these are the ones where you will be eventually getting jobs. So if you want to get a job as soon as you graduate, Pakistan may economics are not sure there are a lot of opportunities. But look out for their products. Or products ko seekhne ka tarika kar ye hota hai ki simply go to their website. Ab ye jo hai, they create oscilloscopes, meters, you know, modern instruments, network testing equipment and so on. So they take good solutions. जैसे 5G के क्लाउड के ये डॉक्टर रिजवान में जो हम डिस्कस कर रहे थे 5G और क्लाउड का सो स्टडी योर प्रोडक्ट देयर आर सर्टिफिकेशंस अवेलेबल जो कि मुफ्त में देते हैं ऑल ऑफ दीज वेंडर्स दे वांट यू टू लर्न देयर टेक्नोलॉजी ठीक है और इसमें दे गिव दीज सर्टिफिकेशंस जिनको आप अपने लिंक्डइन पर डाल सकते हैं एंड एज सून एज यू पुट देम ऑन लिंक्डइन Their recruiting teams are looking for individuals के किसके पास ये certification मौजूद है। Because अगर मैं आज एक business हूँ and मैं let's say नया टैलो, you know नाम देना तो नहीं चाहिए लेकिन नया टैलो मैं optic fiber में deal करता हूँ, तो I need people जिनको OTTRs use करने आते हैं optic fiber के जो tools हैं। तो E-Site is one such company। अगर आपको OTTR use करना आता है, तो you will get a job instead। Because आपने अपने आप को differentiate करना है। Double E में तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग कर रहे हैं। So how do you differentiate yourself as a good engineer getting the hands-on skills? Hands-on skills is कि दुनिया में जो solutions बन रहे हैं, उनको सीखें और उनको अपनी profile बनाएं. And इसमें one last thing that I want to share is कि we're already on top of powers. If any one of you is interested, to go to spsnet.com /skillnet or On this website, you will find a form called student affiliate form. इस form पे जाके अपने एक सब यू नो share your details के बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं IoT में IoT में maybe some of you want to go into software engineering या तो so fill out this form. I'll receive all the form submissions and then I talk to each and every person. चाहे वो student हो या faculty में And then we build a skill matrix. उस skill matrix में हम आपके साथ फ्रॉग वाला को white shorty. Just to give you an example, फ्रॉग मेरे को पहन ले. तो हमने मियां वाली में ऐसे बोला था. और उन्होंने ये form submit किया. और उन्होंने form में लिखा था कि उनको AR और VR के ऊपर skills हैं, जो unreal और ये दूसरी जो gaming के engines होते हैं. तो one fine morning we had a customer requirement जिनको immersive technology से product बनवाना था. Then I went into my database. And I reached out to this person, jinhone likha hua tha. And right now he is delivering the project for that company in Germany. And he has got an A+ grade for his work. So I would highly encourage ki agar aap mein se koi you know, kaam apne skills ko improve karna chah raha hai, if you want to get some projects, this will look good. So this I'll stop and are there any comments from the remote audience? So thank you everyone for your time today. Thank you Dr. Rizwan for coordinating this. I hope this was something useful that you will find to, you know, help improve your career prospects, help your in deciding what are the future goals and so on. And for those in the remote attendance, thank you for joining also. The next session, which is cybersecurity, will be next week. That will be purely focused on cybersecurity after the overlap here, cybersecurity or IoT. So Dr. Rizwan will be in touch to walk on the chair karenge. If you're interested in AI and cloud, those will be sessions away. If you sign up this form, so I can send you the invitations. Thanks again for coming. Thank you, everyone. Have a good evening.